करिकुलम ऑफ कंपोनेंट पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीएड में जिस समय आप लोगों ने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को सेमेस्टर वन का एक कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइड कर दिया गया और कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइड करने के बाद आप लोग इसे गौर से देखे होंगे या जो नहीं देखे होंगे वो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि प्रति एक पेपर ऊपर में जैसे लिखा हुआ रहता है, जैसे आपका ये जो पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, इस पेपर जहां पर लिखा हुआ है टॉप में, उसके जस्ट नीचे में आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उस ऑब्जेक्टिव में के अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप किन किन चीजों के बारे में आप जान जाएंगे। हम कुछ इसमें पढ़ दे रहे हैं कि ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू स्टेट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम इत्यादि के बारे में दिया हुआ है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं यह टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। यदि इस तरह के पेपर सेमेस्टर वन से लेकर के सेमेस्टर फोर तक के अंतर्गत जितने भी पेपर हैं उसके सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अगर आप कंबाइंड कर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यह आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, वो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। ये आप इस तरह से देख सकते हैं उसको। और इस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के प्राप्ति के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि आपने बीएड किया, आपने एक तरह का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया। अब आइए कि इस टीचिंग ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषय वस्तु, जिसे हम कंटेंट भी कह सकते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं, का चयन किया जाए। विषय वस्तु का चयन उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके विपरीत आप यह भी कह सकते हैं कि उद्देश्य इसके विपरीत आप यह भी कह सकते हैं कि उद्देश्य का चयन विषय वस्तु को ध्यान में रखकर किया जाता है।
दोनों बातें सत्य है। इस नजरिए से देखने पर पता चलता है कि एम्स ऑब्जेक्टिव गोल को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। चूंकि आप सभी बीएड में एडमिशन लिए हैं, बीएड में पढ़ रहे हैं, आपका एम्स या आपका गोल कह लीजिए ये टीचर बनना है। चूंकि शिक्षक बनना है इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण या पाठ्यक्रम का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, डिजाइन तैयार किया गया है, वो उसी के अनुसार किया गया है कि कल के डेट में आप इन सब चीजों की सहायता आप स्कूल में कर सके। जब आप प्रैक्टिकली जब आप वहां जाएंगे तो आप इन सब चीजों का उपयोग वहां कर सके। ऐसा नहीं है कि बीएड में एडमिशन लिया और आपको जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का डिजाइन तैयार किया जाता है। अब देखिए, शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से बच्चों के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की पूर्ति करता है। हम देखते हैं कि जब शिक्षक क्लासरूम में बच्चे को इसकी पूर्ति करते हैं जिस समय, तो पता चलता है कि सभी बच्चे का मेंटल एबिलिटी, मेंटल डेवलपमेंट इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी नहीं होती है। आप लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक टॉपिक है, वहां भी आपने इसके बारे में देखा होगा। इस संबंध में थॉर्नडाइक ने कहा है कि देयर इज ए मच डिफरेंसेस बिटवीन लोअर एंड हायर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लासेस। फिर से सुन लीजिए, देयर इज ए मच डिफरेंसेस बिटवीन लोअर एंड हायर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास। हायर कैटेगरी स्टूडेंट लर्न सिक्स टाइम्स मोर देन द लोअर कैटेगरी स्टूडेंट, और लोअर कैटेगरी स्टूडेंट्स लर्न ओनली 1/6 इन कंपैरिजन ऑफ हायर कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो इन बातों से यह पता चलता है कि जो हायर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट से 6 times पहले ही वह सीख जाता है, और लोअर कैटेगरी का स्टूडेंट क्या है, उस चीज को 6 times देर से सीखता है। ये बातें ये थॉर्नडाइक साहब ने ये इसके बारे में कहा। अब आइए कि इन बातों की वजह से ही या इसके वजह से शिक्षक को का यह कर्तव्य बन जाता है, यह दायित्व हो जाता है कि प्रत्येक बच्चे के उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाए। ऐसा नहीं होगा या ऐसा टीचर नहीं करते हैं कि जो तेज स्टूडेंट है, जिनका मेंटेलिटी हायर है, हायर कैटेगरी का है, सिर्फ उसी को पढ़ा करके निकल गए और जो लोअर कैटेगरी का है उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, तो उद्देश्य की पूर्ति तो सभी बच्चों को करनी है, ये तो शिक्षक का काम है। तो शिक्षक इसके लिए डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट अप्रोच का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कोर्स ऑफ स्टडी में कुछ ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं जो कॉन्क्रीट होते हैं। इस तरह के कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में बदलने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सहारा लेना पड़ता है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो लेसन प्लान आपको बनाना होगा, और उस लेसन प्लान में बनाने के समय साथ ही साथ आपको टीचिंग एड भी बनाना पड़ता है। टीचिंग एड का प्रयोग बच्चे को इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे मेंटली लोअर कैटेगरी के होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें टॉपिक से संबंधित समझ में नहीं आता है, जिसके लिए हम टीचिंग एड का सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। अंत में अगर बात की जाए तो पता चलता है कि शिक्षक छात्रों को अपने उद्देश्य की पूर्ति कहां तक की, शिक्षक छात्रों को अपने उद्देश्य की पूर्ति कहां तक किया, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कहां तक हुए, उनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, या फिर उसके अंदर क्या कमियां रह गई, इसके लिए उचित सामग्री का प्रयोग कर बच्चों का आकलन किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ उचित सामग्री का के अर्थ को आप इस तरह से समझिए कि मूल्यांकन करने के लिए या आकलन करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे टेक्निक होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसकी जरूरत शिक्षकों को पड़ती है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, सेमेस्टर थर्ड में आपको मिलेगा कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट या इवैल्यूएशन, और उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुआ इसके लिए शिक्षक टाइम टू टाइम बच्चों का कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट भी करते हैं, कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी करते हैं। और रिमीडियल टीचिंग भी इसी के आधार पर बच्चों का किया जाता है। तो इन टेक्निकों के आधार पर शिक्षक क्या करते हैं, वो बच्चे का डायग्नोसिस कर लेते हैं और इसी के आधार पर रिमीडियल टीचिंग भी बच्चों का किया जाता है। अब है कि अब बात अगर की जाए कि
एलिमेंट ऑफ करिकुलम, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम या कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो इन सब बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद पता चलता है कि एम ताला इन्होंने पाठ्यक्रम के जिन पाठ्यक्रम में जिन तत्वों की बात की है उसमें सबसे पहला है एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, जिसकी चर्चा हमने की कि आपका जो पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट किया गया है, पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया गया है वो आपके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया, और दूसरा है कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। तो हमने यह भी देखा कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट मैटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग के नॉलेज एंड करिकुलम में की बात अगर की जाए तो वहाँ तीन कंटेंट, तीन आपका यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये सारे के सारे इसके अंदर जो कुछ भी आपको पढ़ना है ये सब कंटेंट है, ये सारे के सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, इसको बनाने से पहले जो है वो एम्स और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ही इसको, इस कंटेंट को बनाया गया है। उसके बाद इसी में हम लोग ने यह भी देखा कि बच्चे का स्तर अलग अलग तरीके का होता है, उसकी सोच अलग अलग तरीके का होता है, उसकी मेंटलिटी अलग अलग तरीके की होती है, तो इसलिए पढ़ाने के समय में डिफरेंट मेथड टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड कंपोनेंट जो इसका होगा वो होगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसके अंतर्गत मेथड ऑफ टीचिंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यह आता है। और चौथा है आपका कि बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद एक टाइम आएगा कि आपका यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर किस तरह का परिवर्तन हुआ, किस तरह के चेंजेज आए, इसी को कहते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस। इन चीजों को पता करने के लिए शिक्षक को मूल्यांकन करना पड़ता है, शिक्षक को आकलन करना पड़ता है कि आपने इस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक की, और इसके लिए क्या है डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस नज़रिए से देखिएगा तो ये चौथा जो आपका कंपोनेंट होगा या तत्व जो होंगे वो है इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सभी कंपोनेंट, ये सारे तत्व एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं, और ये सभी के कंबाइंड से ही, इन सभी के संयुक्त रूप से मिलने के बाद ही या करने के बाद ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें से कोई एक को भी अगर आप हटा दें तो उद्देश्य की प्राप्ति
नहीं हो पाएगी। आप जिस लक्ष्य को ध्यान में रख करके बीएड कर रहे हैं, आप उसे अचीव नहीं कर सकते। इसी के साथ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम में से संबंधित मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, और सजेशन हमारा यही है कि आप लोग वीडियो देख करके नोट्स बनाते रहिए। नहीं बनाइएगा तो आपका फाइनली जब इवैल्यूएशन होगा तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। इसलिए जो भी वीडियो आप देखिए अच्छे से देखिए, और उसी के आधार पर आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।